ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, आज वर्चुअली होंगे शामिल। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,451 नए केस आए सामने, 585 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 149 अंक की तेजी के साथ खुला। पंजाब में दिवाली पर 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाजत, रात 8 बजे से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे। आगरा में कश्मीरी छात्रों ने लगाए पाकिस्तानी नारे, पाकिस्तान नारे की सूचना पर पहुंचे हिंदुवादी, हिंदुवादी नेताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम गोंडा को 1024 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर तोहफा देंगे। मेडिकल कॉलेज समेत करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहले तो यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम शामिल होंगे और जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में होगा। सीएम योगी का गोंडा दौरा है आज और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि सीएम गोंडा को 1024 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण का सौगात देंगे और मेडिकल कॉलेज समेत कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। वही सीएम योगी बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में भी आज शिरकत करेंगे और सबसे पहले वो यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आयोजित हो रहा है। उसके बाद वो अपने गोंडा के दौरे पर जाएंगे और कई लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, यानी कि जनता को कई सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो लगातार कई दौरों पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और लोगों को, जनता को कई सौगात देते हुए नजर आते हैं और आज गोंडा की जनता को सौगात देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिसमें गोंडा को 1024 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कल शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और साथ ही मेडिकल कॉलेज समेत करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो आज एक बहुत बड़ा ही दिन माना जा रहा है क्योंकि काफी बड़ी, जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं सीएम योगी। बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शामिल होंगे, साथ ही कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के। आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें भी आज शामिल होंगे जिसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे जहाँ पे वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा जाएंगे और वहां पे 1024 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गौरव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव। गौरव, जिस तरह से आज सीएम योगी के कई कार्यक्रम है, सबसे पहले वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, तो और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी के आज? देखिए शिखा, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे दौरों से लेके आम सौगातों की योजनाएं, जो योजनाओं की सौगात है वो लगातार जनता को दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि इनके 4.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या दिया है और क्या अन्य योजनाएं हैं जो कि विचाराधीन है, जिनका वो शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और आने वाले भविष्य में जनता को देंगे, इसी कड़ी माना जा सकता है। इसके अलावा भी जिस तरह सामाजिक सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो सामाजिक सम्मेलन है, 2019 की तरह ही यहाँ पर भी इस साल 2021 में भी सामाजिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, आम जनता जोड़ा जा रहा है और अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलकर उनसे समर्थन की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री गोंडा जाएंगे, वहाँ पर 1024 करोड़ की लगभग 144 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ लाभार्थियों को, जो कई योजनाओं के लाभार्थी हैं, पात्र हैं, उनको जो जो योजना है उनका वितरण भी करेंगे। इसके बाद उनकी एक वहाँ पर जनसभा भी रहेगी जिसमें वो आम जनता से मंच साधा कर ये बताएंगे कि 4.5 साल में मैंने क्या किया है और भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार 2022 में आती है और क्या सौगातें जनता को दी जाएंगी।
जी, गौरव, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है तो उसमें ये भी चीजें गिनाई जा रही है कि पिछड़े वर्ग के लिए सीएम योगी ने कितने काम किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, सारी पार्टियों की गतिविधि वो वर्ग विशेष पर लग जाती है। चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सत्ता में है। और 2019 की तरह भी यहाँ भी समय सम्मेलन किए जा रहे हैं। अगर सम्मेलनों की बात करें तो पेपर पर सम्मेलन भी किए गए, यात्राएं भी निकाली गई, और अब सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वर्ग विशेष, जिनका बड़ा वोट बैंक है, इसके साथ ही जो ऐसे वर्ग हैं जो कि विकास की मुख्य धारा में नहीं है, उनको जोड़कर, उनका सम्मेलन करके, उनको मुख्य विकास की मुख्य धारा में लाने का, उनसे संवाद करने का और समर्थन करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जी, क्या कुछ अपडेट है गौरव आपके पास गोंडा से? लखनऊ कब वापस आएंगे सीएम योगी? देखिए, गोंडा में जनसभा आयोजित है लगभग 2:30 बजे। उसका माना जा सकता है कि 29 अक्टूबर को अमित शाह का दौरा है, और दौरे के मद्देनजर सदस्यता अभियान वहां पर है लखनऊ में, तो उसके लिए लगभग मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे तक लखनऊ वापस आएंगे, और उनकी अधिकारी सर बैठक भी है इस दौरे को लेकर, क्योंकि बड़ा दौरा है, गृह मंत्री आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिससे कि अब तक 2,30,00,000 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, उनका एक टारगेट है, उनका एक लक्ष्य है कि लगभग 1,70,00,000 जो है लोगों को और जोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें से एक है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद वो गोंडा जाकर गोंडा की जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। तो गोंडा में सौगात देने के साथ ही आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे जनता को सीएम योगी। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अलीगढ़ बुलंदशहर कंट्रोल रूम में तैनात दरोगा जावेद अली पर अतरौली की युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप लगते ही युवती ने SSP को लिखित शिकायत दी है। युवती का आरोप है कि दरोगा जावेद अली पहले से विवाहित रहते हुए उसे अविवाहित बताकर उसके साथ रिश्ते बनाए और निकाह किया, लेकिन अब दरोगा किसी तीसरे से निकाह रचाकर उसके साथ रह रहा है। इस मामले पर SSP कलानिधि नेथानी ने बुलंदशहर SSP को शिकायत भेजकर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र इलाके में 4 बेटी के जन्म होने के बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े कानून बनाने के बाद भी 3 तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित रईसन पत्नी इसाक निवासी अली नगर धौरा माफिन ने आरोप लगाया है कि 4 बेटियों के पैदा होने पर पूर्व से ही पति और ससुराली जन तलाक देकर छोड़ने की धमकी दिया करते थे, और वहीं 22 अक्टूबर को तलाक दे दिया गया, जिसकी शिकायत अब पीड़िता ने करी है और अब इस पे आगे की जांच होगी। बता दें कि 3 तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इस बार ये मामला 4 बेटी के जन्म से जुड़ा हुआ है। कड़े कानून बनाने के बाद भी ये 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको बता दें कि पीड़िता ने बताया कि उसके ससुराली जन और पति पहले ही तलाक देने की धमकी दिया करते थे, वहीं 22 अक्टूबर को पति ने तलाक दे दिया है और कहा कि रिश्ता खत्म कर दिया, अब मैं आजाद हूँ। ससुराली जनों ने मिलकर मारपीट कर पीड़ित विवाहिता को घर से निकाल दिया और घर से न जाने पर विवाहिता को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता SSP कार्यालय पहुंची। प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई, वहीं इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष OP सिंह कमांडो के द्वारा लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों की कर चढ़ाकर की गई निर्मम हत्या की अस्थियों की कलश यात्रा को अलीगढ़ ले जाया गया, जहां किसान यूनियन के बैनर तले एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा गया है, जिसमें गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भारतीय किसान यूनियन का साफ शब्दों में कहना है कि जब तक भाजपा के गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके द्वारा प्रदर्शन किए जाते रहेंगे। दर्जनों किसान नेताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके द्वारा किसानों की निर्मम हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है, और किसान नेताओं के साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार में किसानों की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, लेकिन किसानों की ओर देखने वाला कोई नहीं है। चौधरी सतवीर सिंह सत्तो नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का।
तीजरी में अलीगढ़ गोंडा रोड पर धरना चल रहा है करीब 11 महीने से। किसानों की जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा और ये निकम्मे लोगों की सरकार है। 2022 में इसको उखाड़ फेंकने का हमारा संकल्प है, इसको उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है और हमारा मकसद है किसानों का हित करना और किसानों की बात करना। जो लखीमपुर खीरी में शहीदों के जो किसान शहीद किसान हैं उनके ऊपर ये गाड़ी चढ़ाई थी उसमें वाकया में पीछे से उसका जो मगरूर बेटा था गृह राज्य मंत्री का टैनी का वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जब तक जड़ जो गृह राज्य मंत्री है इस पूरी समस्या की जड़ है गृह राज्य मंत्री जिसने धमकी दी थी और ये कहा था कि मुझे केवल मंत्री ना समझें मुझे केवल नेता ना समझें मेरे क्षेत्र में जाकर पता करें कि मेरा रुतबा क्या है। सीधी धमकी दी थी कि मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा। उसी का परिणाम ये हुआ था किसानों की वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी के लिए किसान आक्रोशित है और ये लखीमपुर खीरी तिकुनिया में हुए हिंसा को लेकर जहां अभी तक किसानों द्वारा लिखाई गई एफआईआर में केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं आज पुलिस द्वारा सुमित जायसवाल की एफआईआर पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। उनके ऊपर ड्राइवर और भाजपा कार्यकर्ता को पीट पीट कर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हिरासत में लिए गए आरोपी गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह से पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया में किसान आंदोलन के समय गाड़ी से कुचलकर कई किसानों सहित भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकारों की मौत हो गई थी जिसको लेकर एसआईटी जांच कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखीमपुर से धीरज जुड़ चुके हैं संवाददाता। धीरज, जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है और तिकुनिया कांड अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब इसमें जो पीड़ित है वो क्या मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको 3 तारीख को जो तिकुनिया से हिंसा हुई थी उस मामले में अभी तक जो किसानों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें अभी तक 13 लोगों की अरेस्टिंग गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पे दूसरी तरफ से जो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या हुई थी 3 भाजपा कार्यकर्ता से एक पत्रकार रमन कश्यप था, तो उस मामले में पुलिस ने कल जो दो आरोपियों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ की गई है, आज उनको जेल में भी रिपोर्ट पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। तो एसआईटी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तिकुनिया कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे लगातार जांच की मांग की जा रही है और जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई जा रही है। एसआईटी ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है तिकुनिया कांड से जुड़े। फतेहपुर जिले में अपराधियों और अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस को सफलता हाथ लगी है। शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर अपराधी के पास 3 जिंदा बमों को बरामद करते हुए पुलिस द्वारा बमों को निष्क्रिय कराया गया है। बता दें कि शातिर अपराधी कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी को जेल भेज दिया है। हाई टेंशन लाइन में हुई इस पार्किंग से चिंगारी निकलने से किसानों का नुकसान हो गया है। चिंगारी से खेत में खड़े गन्ने में आग लग गई और आग लगने से लगभग 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई है। किसानों का हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। विकास खंड देवमई के डारे बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है। मैनपुरी में समय अचानक हुई डीएसपी खाद की किल्लत को लेकर जहां सभी किसान परेशान हैं, वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद मुलायम सिंह यादव भी खासे चिंतित हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने भाजपा सरकार के उर्वरक मंत्री को इस मामले पर पत्र लिखकर चिंता भी जाहिर की है, जिसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और अब किसानों को खाद की बिक्री पुलिस की मौजूदगी में कराई जा रही है। लेकिन जितनी खाद एक किसान को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान है। उनका कहना है कि खाद के अभाव में आलू और सरसों की फसल अब नहीं हो पाएगी और खेती पर असर पड़ेगा। अब खाद की कमी को लेकर जहां यहां के सांसद मुलायम सिंह यादव ने पत्र के माध्यम से चिंता जाहिर की है और कहा है कि हमारे क्षेत्र में इसकी भारी कमी है, जिससे आलू और सरसों की खेती प्रभावित हो रही है।
माननीय सांसद जी के भी पत्र का संज्ञान सामने आया है, भी लिया हम लोगों ने उसका भी संज्ञान। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को ये आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि यदि उन्हें कहीं भी किसी भी, चाहे वो सहकारी समिति का हो या प्राइवेट के खाद के दुकान हो, अगर उन्हें किसी तरह की अधिक रेट की वसूली होती है या किसी तरह की आर्टिफिशियल किल्लत बताई जाती है, तो उसकी सूचना तत्काल मेरे सीओजी नंबर पर आप उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी नाम और पता ये सब गोपनीय रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरा नंबर 94-54-41-77-11। आप जिस किसी को भी सूचना देनी है खाद की किल्लत के बारे में, कालाबाजारी या अधिक वसूली हो रही है, तो मेरे पे कर सकते हैं। और हम लोग प्रतिदिन फील्ड में निकल के इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी खाद की दुकान पे कोई अनियमितता बरती ना जाए। खाद मिली ना रही, हाँ आलू आड़े ऑर्डर है। और का खाद की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ रही है किसान? क्या आलू आड़े और का आवश्यकता? रेट क्या मिल रहे हैं? रेट जो रेट मिल जाए उतना ही रेट लिए मिल तो जाए, लेकिन खाद कहीं है ही नहीं। खाद मिली ना रही। अगर खाद आपको नहीं मिलती है फिर किसान कैसे खेती कर पाएंगे? अब उनका होता है, आप बताओ कैसे करें। मजबूरी है नहीं मजबूरी। तो कितने बजे से आप? सुबह 10:15 से। कितना समय हो गया? 3:50। कितनी बोरी खाद आप पा चुके? 248। ग्रामीण लगातार आ रहे हैं बराबर। हाँ बराबर बराबर। एक व्यक्ति को कितनी बोरियां? दो बोरी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाद की किल्लत थी अब वो दूर होती नजर आ रही? नहीं कतई नजर नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। अच्छा, तो खाद की किल्लत अभी भी बनी रहनी है? बनी रहनी है, जब तक आलू नहीं गिरता तब तो बनी रहेगी। हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो कम हो ही रहा है जो पहले से? कुछ तो हो रहा है, अगर जब सरकारी पूंजी रहे तो सब काम होते रहे। अच्छा, कितनी बोरी आप एक व्यक्ति को चाहिए है? मतलब आदमी को व्यक्तिगत के दो बोरी तो हम दे ही रहे हैं, फिर सबकी पूर्ति तो नहीं कर पाऊंगा। क्या खाद कम आ रही है? क्या खाद कम आ रही है? अगर ये खाद नहीं आती है तो खेती पे क्या असर पड़ेगा? तो जो असर होगा गवर्नमेंट, पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी और प्रभु जो चाहेगा सो होगा। हाँ जो नाम है आपका? संजय सिंह। संजय क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। और क्या लेने आए थे यहाँ पे? DAP खाद। अच्छा, तो कितना इंतजार करना पड़ा? कम से कम हो गया 6-7 घंटा। मैडम और साथ में। अच्छा, तो कितने बोरी खाद? दो बोरी खाद मेरी बड़ी मुश्किल में, बहुत मारा मारी है। लेकिन आप ये आपकी खाद मिल गई आपको? हाँ खाद जरूरत थी, 7 बोरी की 2 बोरी मिली। अच्छा, कितने की जरूरत थी? 7 की, लेकिन दो मिली। मतलब बहुत मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया, कम से कम 5-6 घंटे हो गए। अब और बोरी की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ की पूर्ति करेंगे? अब देखेंगे, लाइन में लगे कल सर। कश्मीरी छात्रों की पाकिस्तान नारे की सूचना पर पहुंचे हिंदूवादी, हिंदूवादी और बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। हिंदूवादी नेताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस फोर्स और हिंदूवादी नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। स्कूल प्रबंधन ने मामले में आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं आगरा के बिचपुरी RBS कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार की योजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चेहरे खिलते हुए दिख रहे हैं, जहां एरवाकट्रा ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी की सभी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन दिए गए। इस मौके पर बाल परियोजना विकास अधिकारी संध्या यादव भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ट्रेनिंग दी है और जिससे कि स्मार्टफोन को रीडिंग भी की जाएगी और साथ ही कुपोषण के बारे में फीडिंग भी मिलेगी। कि ये सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। सरकार की ऐसी सोच है कि जो कुपोषण बच्चों में फैला हुआ है उस कुपोषण को कैसे दूर किया जा सके, तो ये लोग अपनी फीडिंग मोबाइल पर इनकी होती है, पोषण ट्रैकर पर। तो आंगनबाड़ियों के पास जिनके पास मोबाइल नहीं है उन्हें बहुत दिक्कत होती थी कि वो कैसे फीड करें और उन्हें पोषण ट्रैकर पर। अब सरकार ने इन लोगों को सभी को दे दिए हैं, इनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा जिस पे ये अपनी सभी लाभार्थी फीड करेंगी और उसमें कुपोषण को दूर करने के लिए निरंतर उस पर ये निगरानी भी उसमें रखी जाएगी कि कौन से बच्चे का कुपोषण
किस श्रेणी में उसका कैसे धीरे धीरे कुपोषण। तो कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही है अब, ताकि वो स्मार्टफोन की मदद से रीडिंग कर सके और फीडिंग दे सके और अपने आप को स्मार्ट करते हुए काम को भी स्मार्ट तरीके से पूरा कर सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।